नमस्कार सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथियों, प्रायः हम चिरकुंडा बॉर्डर आया करते हैं और कहीं ना कहीं किसी के सूचना पर लोगों के घरों में रेस्क्यू का काम करते हैं। तो आज हम एक स्नैक लेके गुजर रहे थे तो सर बोले कि मुबारक, थोड़ा एक नज़र दिखला दो आखिर क्या है। सबसे पहले आप लोगों को सलाम करते हैं कि इतना गर्मी में धूप में आप लोग ड्यूटी निभा रहे हैं और यहाँ कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख करके। जब हम सुरक्षित होंगे तभी दूसरे को सुरक्षित कर पाएंगे। चाहते हैं कि थोड़ा सांप दिखला दे सर लोग को। सांप हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे इको फ्रेंड। इसलिए सांप को पर्यावरण में बचे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही लाजवाब। थोड़ा बैठ जाइए तब मज़ा आएगा देखने में। इतना ही बड़ा साइज का ये गेहूं सांप है, इसे काटने से लोग बचते भी नहीं। सांप का आंख है लेकिन कलर ब्लाइंड, इसलिए ब्लैक कलर को बेखूबी देख लेता है। कान नहीं है, ये सुन भी नहीं पाता है। आहार श्रृंखला की मुख कड़ी है। ये चूहों को मेढक को खा करके पर्यावरण नियंत्रण हेतु गॉड गिफ्ट है, इसलिए इसे बचे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमसे बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। तब की धूप में खास करके सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। ये काबिले तारीफ है। और देखिए, एक तरफ हमारे योद्धा जो एक पैर पर खड़े हैं, सुबह लगभग 9 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हर सेकंड गुस्सा का इजहार कर रहा है। सांप नाच रहा है, देखिए। कोई भी सांप नाचता नहीं है, टोपी जो हिल रहा है ना, इसलिए बीन के सहारे सांप नाचता नहीं है। कोई भी सांप नाचता नहीं है क्योंकि टोपी लेफ्ट एंड राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए वो भी घूम रहा है। कुछ कहना चाहिएगा? सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र है। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। इसे आज ही हम लोग पंचेत फॉरेस्ट में छोड़ देंगे और ये हमारा, अगर इस तरफ पाइप अगर हम लोग निकलाते हैं तो आराम से अंदर डील समझ करके घुस जाएगा। बड़ा अच्छा सा एक सवाल आया है कि ये चमड़ा छोड़ता है केचुल। जब जब सांप ग्रो करेगा, यानी सांप का शरीर जब जब बढ़ेगा ग्रो करेगा, तब अपने चमड़े को त्याग देगा। एक छोटा बच्चा ले लीजिए घर में, जब वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, 22 का गंजी है तो 24 का, 24 का है गंजी तो 26 का। उसी तरह सांप जब जब ग्रो करता है तब तब उसका स्किन छूटता रहता है और एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि ग्रो कर रहा लेकिन वो स्किन छुड़ा नहीं पा रहा, उस समय सांप नेचुरल डेथ कर जाता है। चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। सर थोड़ा वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम।